दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ राजा राम की नगरी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माई ट्रैवल। मैं आज आपको लेके आया हूँ राजा राम की नगरी। आपने मोस्टली सुना होगा अयोध्या, लेकिन नहीं, उनकी है दो नगरियाँ, अयोध्या और ओरछा। और इस समय मैं खड़ा हूँ ओरछा पर। कहा जाता है कि ओरछा में दिन में राम जी यहीं रहते हैं और रात को जाते हैं अयोध्या। लेकिन फिलहाल मैं आपको राम मंदिर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। फिर भी बाहर से व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस समय मैं हूँ ओरछा फोर्ट पे, ओरछा किला। उसे आपको घुमाऊँगा, उसे आपको दिखाऊँगा। एंट्री हमने कर ली है। टिकट थी 10 रुपीज़ इंडियंस के लिए, 200 रुपये फॉरनर्स के लिए। कैमरा चार्जेस हैं 25 रुपीज़। वीडियोग्राफी अगर आपको करनी है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अंदर आपको घुमाएं। उससे पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और दोस्तों का शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मेरे साथ घूमिए ओरछा। सो दोस्तों, मेरे साथ जितेंद्र जी हैं जो कि गाइड हैं यहाँ पर। आप उन्हें हायर कर सकते हैं, एक्चुअली में बेटर रहता है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, साथ साथ टाइम भी बचता है। क्योंकि पुराने फोर्ट्स में क्या होता है कि आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और कितनी चीज़ें हो सकती हैं कि हम मिस कर सकते हैं क्योंकि हमें रूट्स पता नहीं होते किलों के अंदर। तो एंट्री करते हैं तो सामने आपको दीवाने आम दिख रहा है, इसके अंदर ही चलते हैं। इसका एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है और ये दीवाने आम है। पेंटिंग प्लेस पर रखिए और उसके बाद ये पूरा जो हॉल है मिनिस्टर्स के लिए है। मिनिस्टर्स सारे जो यहाँ पर जजमेंट करते थे विद द किंग, और सामने आम जनता को खड़ा करेंगे। जो घास का मैदान वो वहाँ पे नीचे जनता है, यहाँ मिनिस्टर्स वगैरह। उसके बाद आम आदमी, क्योंकि आम आदमी उसको बाहर की ओर ही कर दिया। तो ये राजा महल है। हाँ, हिंदू धर्म में पूरब दिशा सब मानते हैं, तो महल मंदिरों के गेट सारे पूरब दिशा में होते थे। तो वी आर इनसाइड। अब हम राजा महल के अंदर आ गए हैं, तो अंदर वही आ पाता तो जो राजा का खास वी आई पी है राजमहल। हाँ, क्योंकि हाँ, तो आप अब वी आई पी हो गए, राजा के मेहमान हो गए। जैसे अंदर आते हैं तो सामने आपको दिख रहे दीवार खास है, हाउस ऑफ वी कैन से द प्राइवेट मीटिंग हॉल। तो यहाँ पर राजा अपने मंत्री मिनिस्टर व्यापारियों के साथ युद्ध के निर्णय, संधि के निर्णय, इम्पोर्टेंट निर्णय, वी आई पी सारे यहाँ पे होते थे। इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग है, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती थी यहाँ बेसिकली, जो भी खास मंत्री वंत्री बड़े। और वहाँ कोने में आपको देखें तीन लकड़ी के दरवाजे, वो था किचन रसोई घर। और ये सामने दोस्तों वो किचन रसोई घर था, तीन लकड़ी के दरवाजे। ये सामने डांसिंग स्टेज, यहाँ डांसिंग स्टेज, नो इंटरनेट नो टेलीविजन, तो डांस का प्रोग्राम लाइव होता था। मतलब बिल्कुल स्वागत तो होगा और छाव भव्यतम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोने में आपको बीच में दिखा ऊपर वाले फ्लोर पर एक मंजिल, जो बीच का जो खिड़की है वो राजा के लिए छोटी वाली। और जो ज्यादा खिड़कियाँ वो नॉर्मली आपको पता ही है सबको, रानियों के लिए। पहुंच चुके हैं बिल्कुल टॉप पे राजा महल के। टेम्पल जैसे वो जो टेम्पल है वो छतरी है। हाँ, राजाओं की समाधि यहाँ की, बुंदेला राजाओं की। नदी भी आपको क्लियर दिख रही है, बेतवा रिवर वो आ रही है वहाँ। दोस्तों जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो जो सामने टेम्पल जैसी छतरियाँ नजर आ रही हैं वो समाधियाँ हैं राजाओं की, बेतवा नदी के किनारे। एम्फीथियम पे जो देखते हैं फोटो, अभी थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगा, वो भी दिखाऊंगा। रिवर जो देखते हैं वो वहीं का लिया जाता है, वहाँ पे जा सकते हैं ना। हाँ, अच्छा, बेतवा रिवर का वहीं का लिया जाता है, वहाँ पे घाट भी शाम को गया था मैं। और इस तरफ जहाँगी पैलेस बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसका जो पूरा 40% दीवार है वो भी जगह जगह दिख रहा है कि कहाँ तक फैला हुआ है इसका। सामने ठीक सामने हमको ये वाला जहांगीर महल है दोस्तों, और शीश महल होटल उसी से पास दिख रहा है। शीश महल होटल भी यहाँ पे खाना वाना वगैरह सब मिलता है। अभी रेस्टोरेंट काम चल रहा है, खाली रेस्टोरेंट है या होटल है? होटल भी है, रहने के लिए भी है। महाराजा सूट है इसके अंदर, अच्छा सूट भी है। और अभी तो क्या रेस्टोरेंट चला, आपको दिख रहा सामान बिखरा पड़ा है, मतलब अभी बंद है आजकल। हाँ, अभी तो बंद है। और इस तरफ से अंदर का व्यू देखिए राजा महल कितना शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से, जो दिख रहा है इस समय पूरा ओरछा, सारे मंदिर, यहाँ से राजा महल कितना शानदार है। और ये राजा महल है सामने जो नज़र आ रहा है, राजा महल था जहाँ पे हम घूम के अभी आए हैं ऊपर, अभी हम उसी के ऊपर टॉप पे हैं। तो ये देखिए शानदार पेंटिंग यहाँ पर आप देखिए ऊपर की तरफ, जो गेट के ठीक ऊपर से आप देखिए जो विष्णु भगवान की 24 अवतार है उसमें से 10 अवतार यहाँ बनाया गया है। पहला मत्स्यवतार मछली वाला, फिर पूर्णिमा कछुआ वाला, फिर वराह पाताल से दिल्ली के लिए गया, फिर नरसिंह आधा से आधा आदमी बलक को बचाने के लिए, फिर वामन का छोटा सा जो राजा बलि सी तीन को यंग मांगते छोटा सा ब्लैक कलर का मिले, फिर परशुराम जिनका नाम एक्सप्लोरी, फिर रामा नीले रंग में, रामा सामने हनुमान जी और अपने वाइफ सीता जी के साथ, फिर कृष्ण भगवान नीले रंग,
यहाँ कृष्ण के चार हाथ दिखाए गए, पर कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। फिर बुद्ध को पहले के तीन अवधि के अलग रहेंगे और वहाँ घोड़े के आगे फ्यूचर फिर से आएंगे कल की अवतार। तो इस तरह यहाँ 10 अवतार तक रूम में आ गए हैं। राजा का रूम होता था, हवा रोशनी की खिड़कियाँ हैं, ये विंडो होती थी, हवा आती थी यहाँ से। यहाँ पर एक चित्र है, दूसरे एक हाथी प्रभाव, कोई हाथी नहीं है। पहली एक काम के लिए कितना औरत है जो हाथी को बना रही है। तो दोस्तों ये एक विंडो है जो राजा ने बनाई थी, और इसलिए कि सामने एक मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ छत्रभुज टेंपल, जिसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के बाद में दिखाऊंगा। ये दिख पा रही है यहाँ से, इसलिए बनाई गई थी कि ये दर्शन यहीं से होते रहे, उनको जाना ना पड़े। राजा की इच्छा थी अपने महल से सीधा एक मंदिर बनाते हैं, और जब भगवान आएंगे तो यहीं से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राम जी के लिए बेसिकली मंदिर बन रहा था जो मैंने आपको बताया था, लेकिन स्थापना उनकी वहीं हो गई, वो वहाँ पे विराजमान हो गए और वहाँ से उठे नहीं। तो अब यहाँ पे ये विष्णु जी का हो गया ना शायद, इसका है ये मंदिर, इसका नाम इस समय चतुर्भुज, मतलब चार भुजा वाले विष्णु भगवान। अच्छा, चार भुजा वाले विष्णु रखा था, नाम पर क्या चतुर्भुज। हम हमाम में आ गए हैं, जो बाथरूम से नाना अंधेरा है यहाँ पे थोड़ा, बीच वाले टैंक में लोहे का तवा लगा है, पानी को गर्म कर सकते थे। अच्छा, और साबुन नहीं होता था, चंदन हल्दी दूध घी से समाते थे यहाँ पर। बहुत सारे लाल से बने हुए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये टॉयलेट से, तो ये टॉयलेट से। चार महल है, जिसमें पहला था राजा का महल, दूसरा जहांगीर महल, जिसमें मैं लेके जा रहा हूँ। जहांगीर महल बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया था, राजा ने, उनके अच्छे दोस्त थे, तो सिर्फ उन्होंने एक दिन के लिए आना था, उनके लिए इतना बड़ा महल बनाया गया, आपको भी दिखाता हूँ। और तीसरा डांसर का क्या नाम बताया, राय परवीन एक अकबर के यहाँ पे डांसर थी जो उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई थी, उनके लिए बनाया गया था। और होटल एक आपको मैं दिखाता हूँ, शीश महल, जो कि महल था लेकिन अब होटल में बदल गया, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हैं शीश महल होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, अभी रिनोवेशन में तो फिलहाल बंद है, लेकिन अब ये महल की जगह होटल हो चुका है। और इसी के साथ जुड़ता है जहांगीर महल, जिसके अंदर अब हम जाएंगे। ये सिर्फ बता, एक दिन के लिए उन्होंने आना था और उनके लिए इतना बड़ा महल, कितने साल लगे थे जी? 22 साल में तैयार किया गया था। देखो दोस्तों, तो चलिए, 1605 से 1627 के बीच, 1605 से 1627 के बीच में बना है, देखिए। तो व्यू देख लीजिए जहांगीर, इनसे कहानी सुनते हैं यहाँ की। अकबर का जो लड़का था जहांगीर, तो जहांगीर बहुत बिगड़ गए थे, शराब पीते थे, और एक डांसर से शादी करनी थी अनारकली से। तो इन्होंने अकबर से कह दिया कि भाई मुझे बादशाह बनना बहुत टाइम हो गया, तो अकबर नाराज हो गया और उसने इसको अपने महल से ही निकाल दिया आगरा से। जहांगीर भाग गया अलाहाबाद प्रयागराज, एक दिन अकबर ने भेज दिया आउल फिले को, जा उसको पकड़े। आउल फिले गुड पर्सन था, लेकिन जहांगीर को ये लगता था कि ये जो आउल फिले के बीच में मार देगा रास्ते में, वो बादशाह बन जाएगा। सभी राजाओं से हेल्प मांगी, सब ने मना कर दिया, अकबर सब डरते थे। यहाँ के राजा बीर सिंह बुंदेला ने प्रॉमिस कर दिया, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो बीर सिंह बुंदेला ने प्रॉमिस के अनुसार आउल फजल को बीच रास्ते में पकड़ के मार डाला, उसकी गर्दन काट दी और जहांगीर को भिजवा दी। जहांगीर खुश हो गया कि इतने बड़े बादशाह अकबर सेनापति को मार दिया, दोनों पक्के फ्रेंड हो गए। दोनों का लक अच्छा था, अकबर पड़ गए बीमार, जहांगीर मिलने के गया। अकबर ने अपनी लड़की को माफ कर दिया और कहा मुकुट पहना जहांगीर, और बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद फर्क ये आ गया कि जो यहाँ के राजा थे पावरफुल हो गए, बहुत रिच पर्सन हुए। इन्होंने किले बनाए चारों तरफ सुरक्षा के लिए, झांसी का किला, दतिया का। अब सोचा जहांगीर मेरे फ्रेंड, उनको हम ओरछा में भी बुलाते हैं, तो उनको ओरछा में बुलाने के लिए उन्होंने महल बनाने का सोचा। लेकिन सोचा कि जहांगीर तो मुस्लिम हम हिंदू हैं, तो आधा हिंदू आधा मुस्लिम आर्किटेक्चर मिला के बनाए, ये जो सिंबल हिंदू मुस्लिम फ्रेंड से। तो भैया आपको इसमें दिख रहा है टॉप पर लोटस फ्लावर, जो कलश निशान है हिंदू टेम्पल के लिए हो गया। जो गुम्बद इस्लामिक हो गए, हरा रंग और नीला रंग हिंदू मुस्लिम का सिंबल है, हरा मुस्लिम हो गया और हिंदू नीला। ये टाइल्स में पर्शिया से लाए थे यानी ईरान से, और नीचे हमाम है, हाथ पर धोकर नवाज पढ़ लें यहाँ पर नीचे, जो देखो आपको स्विमिंग पूल टाइप का। फिर इसके नीचे 100 कमरे सैनिकों के लिए, और राउंड में
36 कमरे हैं जो कि मिनिस्टर व्यापारी वगैरह आए थे सबके लिए इंतजाम किया गया 236 रूम का, लेकिन जहाँ रुका केवल एक दिन पर। ओला ही इज ओनली वन डे। सही है। सो दोस्तों ये है मेन गेट जहाँ गया उसका और गेट में आप देखिए वेलकम का पूरा इंतजाम इस प्रकार के सिंबल बनाए गए हैं इस्लामिक जाली को दिखा रहे हैं और ये स्वास्तिका है हिंदू जाली को दिखा रहे हैं। तो बहुत बारीक काम किया है, जितना आप देखें उतना हिंदू मुस्लिम का बहुत बारीक इसमें मिक्स किया गया है। तो आपको मैंने घुमाया ओरछा फोर्ट, इसमें जो कि दो तीन महल थे आपको सारे दिखा दिए और आपको उनके बारे में पता चला। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगा छत्रभुज टेम्पल जो कि ओरछा में ही है और बेतवा रिवर के किनारे भी जाएंगे, वो भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, इस वीडियो से लेता हूँ अलविदा। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।